पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के 33वें बलिदान दिवस के अवसर पर दुर्ग के राजीव भवन में श्रद्धांजलि देकर आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्ग के राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 33वें बलिदान दिवस को पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा भक्ति के साथ आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण वोरा, सांसद प्रत्याशी राजेंद्र साहू, सभापति राजेश यादव, अल्ताफ अहमद, आर्यन वर्मा, रत्ना नारमदेव, कन्या ढिमर सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां शामिल रहे। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के बलिदान को आतंकवाद के विरोध के रूप में मनाते हुए शपथ दिलाई। राजीव गांधी जी की 33वीं पुण्यतिथि पर पूरा राष्ट्र उनको नमन कर रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में राजीव गांधी जी हमेशा अविस्मरणीय रहेंगे, उन्हें कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। 5 वर्ष के प्रधानमंत्रित्व काल में राजीव गांधी जी ने जो काम किया है उसकी छाप आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग में अंकित है। उन्होंने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में हिंदुस्तान को दुनिया के जितने भी देश हैं उनसे आगे ले जाकर खड़ा कर दिया था। लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि हिंदुस्तान का यह नौजवान प्रधानमंत्री इतने कम समय में हिंदुस्तान को इतने आगे ले गया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। राजीव गांधी जी की जो देन है, उन्होंने युवाओं को मताधिकार दिया, समानता का, समता का अधिकार दिया, धर्मनिरपेक्ष की भावना पर उन्होंने अपनी मुहर लगाई और ये कहा कि भारत सर्वधर्म संभाव वाला देश है जहाँ सभी जाति धर्म और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। उस पर उन्होंने अपनी मुहर लगाई, नौजवानों को आगे बढ़ाया। कंप्यूटर जो आज हम लोग देखते हैं, मोबाइल, STD PCO, संचार क्रांति के जनक थे राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी जी को मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान कभी भी भुला पाएगा, और इसीलिए सब लोग कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव गांधी जी का नाम रहेगा। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धे राजीव जी को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग, चाहे वो देश को जोड़ने की बात हो, चाहे देश में विकास की बात हो, तार करने की बात हो, चाहे देश में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, उनके मार्गों पर चलकर हम देश को आगे बढ़ाने का आज संकल्प लिए हैं। और साथ ही उनके द्वारा जो देश में के साथ साथ अन्य देशों में भी शांति की जो स्थापना की गई थी, ये एक संदेश आज लोगों के बीच जाना चाहिए, क्योंकि देश आज बहुत ही अलग दिशा में जो ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा, उसमें उनके द्वारा जो संदेश, शांति का संदेश देने का काम किया गया था, उसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। ये कांग्रेस के लोग आज संकल्पित हुए हैं। आज राजीव भवन में हम लोगों ने माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 33वीं पुण्यतिथि मनाई है। सभी पदाधिकारी, सभी कांग्रेस जन यहाँ पर पहुँचे और श्रद्धांजलि हम लोगों ने अर्पित कर एक हम लोगों ने सबने शपथ लिए कि आतंकवाद के माध्यम से जिस तरह उनको मानव बम के द्वारा उड़ाया गया था उसका हम लोग सभी लोगों ने यहाँ विरोध भी किया है। और हम लोग पूरे देश से ये चाहते हैं कि आतंकवादी जो हैं उनको ख़त्म करना है, और उसी लिए आज हम लोगों ने शपथ भी लिया है। क्योंकि स्वर्गीय जो राजीव गांधी जी थे उन्होंने बहुत कम समय में देश में बहुत विस्तार किया। संचार के माध्यम से जाने गए, हरित क्रांति के नाम से जाने गए, और उनके आने के बाद बहुत से ऐसे नए नए उपाय उन्होंने लाए कि जो लोगों को बहुत बीजेपी वालों को परेशान करने वाले थे। क्योंकि जिस तरह उन्होंने कंप्यूटराइज जो ज़माना लाया और इन्होंने उस समय कहा था कि ये तो लोगों को बेरोजगारी कर देंगे, परंतु आज कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग देश विदेश में जाने जाते हैं और यहाँ बैठे बैठे हम लोग पूरे देशों की गतिविधियाँ जान रहे हैं। तो संचार के माध्यम से जो हम लोग जाने जाते हैं पूरे देश में, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे राजीव गांधी जी की थी। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, और जो भी बोला गया हमारे, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हों, चाहे स्वर्गीय नेहरू जी हों, माननीय हमारे जितने महापुरुष हैं, चाहे महात्मा गांधी हों, देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। इंदिरा गांधी जी को भी उन्होंने भी बलिदान दिया, उनको भी गोलियों से भुना गया,
और माननीय हमारे राजीव गांधी जी को तो मानव बम से उड़ाया गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी कि ऐसे नेता को जो हमारे देश का विकास कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस विकास पर ध्यान देती है, रोजगार पर ध्यान देती है, शिक्षा पर ध्यान देती है, स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। और इतिहास उठा के देखिए, आज पूरा यदि देश में हमारे भारतवर्ष में यदि जो भी उद्योग है तो कांग्रेस की देन है। और बीजेपी जब से आई है तो इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया है और आज बेचते भी जा रहे हैं और निजीकरण करते जा रहे हैं। तो हमारा सिर्फ यही विरोध है कि आतंकवाद को आप लोग 10 सालों में नहीं हटा पाए। तो हमारा ये है कि यदि वापस केंद्र में आते हैं तो सबसे पहले आतंकवाद को हटाएंगे और उसी के लिए हम लोगों ने शपथ ली है। और हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रोजगार देने का प्रयास करेंगे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।